से है आरती Thank you.
अवतारं समान वर्णं अशेष संसार समुद्र से तुम राधा कृष्ण धाम के सभी मेंबर साहिबान
पावन पवित्र तथा पवित्र श्रोतागण सभी के हृदय में विराजमान परमेश्वर को बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कल का आनंद लिया आपने, भगवत कथा का, इसमें भक्ति का, ज्ञान और वैराग्य का प्रारंभ मैंने बताया आपको कि आश्रम में ही भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा है, इसमें हम सभी ने प्रवाह करना है, स्नान करना है, सात दिन लगाना है। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले अपने हृदय रूपी आंगन को परमेश्वर के पवित्र नाम से, वही जो नित्य श्रवण करते हैं आप, उसी के द्वारा आइए आज की कथा को प्रारंभ करें। स्वामी बिहारी लाल की जय।
भगवान सोते हैं, कौन कहता है भगवान सोते हैं, कौन कहता है भगवान सोते हैं, माय सोता के जैसे सुनाते नहीं, माय सोता के जैसे सुनाते नहीं, अच्युतम के शरण कृष्ण दाता।
पुने पुने श्री गुरुदेव पूज्य पिता माता ऋषि चरणों में वंदन करते हुए, कल हमने जहाँ पर विश्राम लिया था, प्रथम स्कंद पूरा किया था, द्वितीय स्कंद से आज प्रारंभ करते हैं। कल राजा ने प्रश्न किया है, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरु पुरस्तेय सत्कारं प्रियमाणस्य सर्वदा। मरने वाले इंसान के लिए क्या कर्म है, कृपा करके भगवान बताइए। अगर किसी गृहस्थी के घर जाते हो तो कितने लिए देर के लिए जाते हो? न लक्षते अतस्तानपि गोह दोहनम उचित, जितनी देर में गाय का दूध दुहा जाता है। महाराज परीक्षित कहते हैं, सबसे बड़ी तो पहले बात ये देखिए मेरी कि मैं अपराधी हूं ब्राह्मणों का, मैं अपराधी हूं संतों का। कैसे अपराधी हैं? कल की कथा में आपने सुना, मरा हुआ सर्प गले में जो डाला तो अपराधी हुए। लेकिन अपराधी होने के बावजूद भी यहां पर ऐसा कौन सा ऋषि मुनि है जो नहीं विद्यमान है? आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए महाराज वशिष्ठ जी विद्यमान है, उनकी सुपुत्र शक्ति जी विद्यमान है, कितनी पीढ़ियां बैठी हैं आज इनकी। महाराज व्यास जी विद्यमान है और व्यास जी के पुत्र भी सुखदेव जी भी आ गए, पर जितने भी ऋषि मुनि हैं सब यहां विद्यमान है। मैं अपराधी हूं, अपराधी होने के बावजूद भी इतनी कृपा मेरे ऊपर आपकी, तो मेरे समान भाग्यशाली कौन होगा जो मुझे आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मा की आज इतनी पीढ़ियां चली आई हैं। मैं बड़ा भाग्यशाली, यद्यपि अपराधी हूं फिर भी तो प्रभु मैंने अपना तन मन धन सब आपको समर्पित कर दिया। सदगुरु जब मिल जाए तो हमारा कर्तव्य क्या है? के पहला दाता सिख है जाने तन मन धन की ओ भेंट, और दूजा दाता गुरु है मेरे ज्ञान समय। प्राप्त करना है गुरुदेव से, वो कहता है प्रभु तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका। सुखदेव जी के में प्रभु मैं आपका हो गया, ऐसे ही कोई कृषि पर कृपा नहीं करता। अर्जुन ने अपना तन मन सब कुछ भगवान को बार दिया, प्रभु ने गीता सुनाई, इससे पहले क्यों नहीं सुनाई? जब उसने कहा प्रभु मैं अब मेरे को, मैं तो किंग कर्तव्य विचारपूर्ण हो चुका हूं, नहीं पता क्या करना है। यह श्रेयम जो मेरे लिए उत्तम श्रेय है वही मेरे लिए बताइए। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और
शिष्य का क्या पक्का उदाहरण है, क्या सुंदर उदाहरण है। किसी शिष्य ने किसी को गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद बड़ा स्नेह आत्मसमर्पण पूरा गुरु के ऊपर। गुरु भी बड़ी ब्रह्मज्ञानी थे। एक दिन ब्रह्मज्ञानी गुरु जी अपने शिष्य को लेकर के यात्रा पर निकले। जरा ध्यान से सुनिए, गुरु शिष्य का नाता क्या है, मैं बता रहा हूं। यात्रा पर निकले, घने जंगल में, बियाबान जंगल में, जहां हिंसक पशुओं से भरा हुआ था, हिंसक जीवों से भरा हुआ था, ऐसे जंगल में रहना पड़ गया। गुरुजी ने कहा, बेटा तू जवान है, तुझे नींद आएगी, तू पहले सो ले, मैं बाद में सो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, आप सो, मैं पहरा दूंगा, आप सो जाइए, मैं पहरा दूंगा। गुरुजी ने कहा, फिर ठीक है बेटा, मैं सो जाता हूं कुछ रात्रि के लिए, कुछ रात्रि के लिए तुम पहरा दो, फिर तुम सो लेना, मैं पहरा दूंगा। गुरुजी सो गए, शिष्य ने पहरा दिया। रात के 2:30 बजे गुरुजी उठ गए और कहा, बेटा अब तू आराम कर ले, सुबह फिर यात्रा करनी है दोनों ने। शिष्य सो गया, गुरु जाग रहा। रात के कोई 3:30-4 बजे भयानक काला सर्प फन उठाता हुआ सीधा शिष्य की तरफ आ रहा है। शिष्य ब्रह्मज्ञानी भी थे, कुछ शास्त्रों में अच्छी पैंट भी थी, शिष्य एक भाषा भी ऐसी जानते थे जो किसी जीव को बुला सकते थे और किसी जीव से बात कर सकते थे। तो गुरुजी ने उस सर्प को, आने वाले सर्प को कहा, अरे कहां चला रहा है भाई। सर्प कहता है, वो सामने तुम्हारे सो रहा है, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसको दसना है आज, दसना है। हाँ, क्यों डसना है, कालांतर का बैर चला रहा है, कई जन्मों से ये सर्प बनता है, मुझे डसता है, मैं सर्प बनता हूं, इसको डसता हूं। अच्छा, मिलेगा क्या तुझे इसको डसने से, तुझे क्या मिलेगा, फिर तू मरेगा, फिर सर्प बनेगा, फिर ये मरेगा, फिर ये सर्प बनेगा, मिलेगा क्या कि मैं इसका छाती का लहू पीना है, बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए इसके छाती का लहू पीना है, बस लहू पीना है ना, हम तेरे को लहू पिला देते हैं। वही खड़ा रहे, गुरुजी ने आश्वासन दिया लहू का, वो सर्प वहीं खड़ा हो गया। गुरुजी ने अपनी कटारी निकाली, छाती पर बैठ गए और बैठ करके यहां छाती पे कट लगाया और कट लगा करके लहू लिया। शिष्य ने आंख खोली और आंख खोल करके गुरुजी की तरफ देखा और देख करके आंख बंद करके फिर से सो गया। एक बार बोलो भांके बिहारी लाल की जय हो। गुरुजी ने लहू लिया और उस सर्प को दिया, सर्प पिया और लहू को शरीर छोड़ करके सर्प की योनि से मुक्त हो गया, क्योंकि बदला खत्म हो गया। अब क्या होता है, सवेरा हो गया, गुरुजी उठे, शिष्य भी उठा, चल दिए। न तो गुरुजी ने कुछ कहा, न शिष्य ने कुछ कहा, शिष्य भी चला जा रहा है, गुरुजी भी चले जा रहे हैं।
गुरु जी के मन में बात आई कि जब मैं इसकी छाती पर बैठा था, मैं इसकी छाती पे कट लगाया, खून निकाला, इसके मन में कोई तो बात आई होगी। इसलिए गुरु जी ने पूछा, बेटा मैं तेरी रात को छाती पर बैठा, मैंने कट लगाया, तेरा खून निकाला और मैंने आंख बंद कर ली, मुझे देख करके तुझे कुछ अनुभूति नहीं हुई, तेरे मन में कोई बात नहीं आई। शिष्य कहता है, गुरुजी अगर कोई और होता तो मेरे मन में जरूर बात आती, लेकिन मेरी छाती पर जब बैठे ही गुरुजी थे तो मैंने सोच लिया इसमें भी कोई मेरा हित ही होगा, इसमें भी कोई मेरी भलाई होगी, इसलिए गुरुजी मैंने आंख बंद कर ली। शिष्य का हर समय हित चाहता है गुरु, पल पल क्षण क्षण, पर किसका चाहता है जो अपने गुरु के लिए समर्पित हो जाता है। आज महाराज परीक्षित ने अपने को समर्पित कर दिया है अपने गुरु श्री सुखदेव जी महाराज को, प्रश्न किया है मरने वाले का कल्याण के लिए कोई रास्ता क्या करना चाहिए। कोई कहता है सुनो कथा, कोई कहता है कीर्तन करो, कोई कुछ कहता है। यो श्रेय है सबसे उत्तम, योगिनाम परमं गुरु, हे योगियों के भी परम गुरु कृपा करके मुझे अपना श्रेय मुझे बताइए। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, बड़ी आंते प्रश्न करता लोग हितो नप, अपने भलाई के लिए तो हर कोई पूछ लेता है, अपनी भलाई के लिए हर कोई पूछ लेता है। तुम्हारा जो प्रश्न है, करता लोग हिता नप, संसार की भलाई के लिए है, क्योंकि आज तक ये भागवत कहीं प्रकट नहीं थी, कहां थी, व्यास जी के मुख से निकली और जो है वेद व्यास जी ने ये अपने पुत्र को श्रवण करा पढ़ा। पहले ग्रंथ नहीं हुआ करते थे, ध्यान से सुनिएगा, पहले ग्रंथ नहीं हुआ करते थे तो क्या होता था, गुरु सारी विद्या शिष्य को समझा देता था, पढ़ा देता था और वो अपने में उनको समाहित करके रखते थे। स्मरण शक्ति इतनी तीव्र हुआ करती थी, याददाश्त इतनी तीव्र हुआ करती थी कि जब भी पूछो उन मंत्रों को, उन सब शास्त्रों को, वेदों को, पुराणों को हर शिष्य सुना दिया करता था जवानी। तो वो एक तरह से सुखदेव जी के अंदर थी वो कथा। आज प्रश्न किया है जो वो बाहर निकल रही है तो भला है किसका होगा, सारी दुनिया का भला। शास्त्रों के बारे में ऐसे लिखा है कि ये कथा हर किसी को सुनानी नहीं चाहिए। रामायण में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ये न कहिए सठ ही हठ से, नहीं सुनता है ऐसे इंसान को नहीं सुनाई नहीं चाहिए, और किसको नहीं सुनानी चाहिए कि तुझे द्रोही है ना सुनाए।
कि यहाँ देवता इंद्र के समान भी हो तो भी उसको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। तो किसको सुनानी चाहिए? कि राम कथा के तेई अधिकार, इंद्र ही क्यों नहीं हो, नहीं सुनाते। अब यहां एक बात आती है, प्रत्यक्ष में आती है, अप्रत्यक्ष में नहीं, प्रत्यक्ष में आती है कि जैसे ही कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को, सुखदेव स्वामी अमृत का कलश लेकर के देवता प्रकट हो गए। देवता कहने लगे, महाराज क्या कर रहे हो कि कथा सुना रहे हैं? कि किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को। इसको सर्प ने डसना है, हाँ तो ऐसा करो, इसको ये अमृत कलश दे दो, हम अमृत कलश ले आए हैं, अमृत कलश पिला दो राजा परीक्षित को, ये अमर हो जाएगा और ये कथा हमको सुना दीजिए। विनिमय कर लेते हैं, व्यापार कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, अमृत कलश दीजिए इनको और कथा सुनाइए हमको। परीक्षित से पूछा, आपको मंजूर है? कहने लगे, महाराज अमृत से क्या होगा कि अमर हो जाएगा, अमर तो हो जाएगा लेकिन भगवत प्राप्ति तो नहीं होगी। क्या अमृत पीने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है? नहीं होती, अमर हो जाता है। तो अमर होकर के क्या करना जब भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो इसलिए अमृत को बचाया कांच और भगवत कथा को कहा मणि महान, कहां बड़ी मणि और कहां कांच का टुकड़ा, इसलिए सौदा कैंसल, प्रभु कथा हमको सुनाइए। देवताओं को बड़ा बुरा लगा, देवताओं को बड़ा बुरा लगा। देवता कहने लगी, लो हम आए, हमको कथा नहीं सुनाई, इतनी बड़ी चीज लेके आए, हमको कथा नहीं सुनाई और परीक्षित को कथा सुना दी। अब देवता लोग वहीं ठहर गए कहीं आसपास, कहने लगे हम देखते हैं। जब देवताओं ने देखा कि आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, आकाश में धुंधवियां बज रही हैं, आकाश में जय जयकार हो रहे हैं, आकाश में नंदन बन के पुष्पों की वर्षा हो रही है, और जब साक्षात उनकी मुक्ति को देखा अपनी आंखों से राजा परीक्षित जी को, तो देवता लोग दंग रह गए। इसलिए भागवत की कथा कोई कथा नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप। तो प्रश्न किया, जवाब दे रहे हैं, बेटा तूने जो प्रश्न किया है वो कहीं संसार की हिताई के लिए, भलाई के लिए किया है। अंतकाल में इंसान को क्या करना चाहिए सुन ले ध्यान से। अंतकाले तु पुरुष आगते गत साधु सह चिंता संग सत्रेण निष्प्रहा देयतम। अंतकाल में इंसान घर गृहस्थी को छोड़ दे और किसी एकांत वास में स्थान में वास करे, अपनी संशयों को, सभी संशयों को ज्ञान रूपी हथियार से काट डाले। काय से काट डाले? ज्ञान रूपी हथियार से। ये संशय किसी बंदूक से नहीं मारी जाती, ये संशय किसी तलवार से काटी नहीं जाती, किससे काटी जाती है? ज्ञान रूपी तलवार से। फिर क्या करना है?
निर्माल मोहा चित संग दोषा और आध्यात्म नित्या बिन विरति कामा बंदई मोक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ति मूढ़ा पदम प्रियम तदह निर्माण मोहा मान मोह को जीत ले। कल भी मैंने बात बताई थी, आज फिर बता रहा हूं, सत्संगी इंसान को न मान करना चाहिए न मोह करना चाहिए। आपको विदित होगा हनुमान जी कहीं सत्संग में आके बैठते हैं तो कितना भी सुंदर आसन लगा दो वो जूतों में आके बैठते हैं। मान करेंगे तो वो नहीं मिलेगा जिसको आप चाहते हैं। आप ऐसे रह जाओगे जैसे बरसात हो रही हो अमृत की, घड़ा रख दो लेकिन उल्टा करके रख दिया है तो क्या भरेगा उसमें, समझ रहे हो ना मेरी बात। घड़ा रख दो अमृत बरस रहा है, घड़ा रख दो बरसा में लेकिन रखा ही उल्टा करके है तो मिलेगा क्या मेरे भाई हो? आप बताइए कुछ मिलेगा क्या? ऐसे ही मान करके अगर सत्संग में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जैसे राजा रघुगुण को कुछ नहीं मिला आगे बताएंगे चौथे दिन की तीसरे दिन की कथाओं में। तो भगवान ने कहा सुखदेव जी ने निर्माण मोहा जित संग दोषा, संग दोष को जीतिए, चाहे तुम्हारे साथ में कोई भी बैठा है तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। आध्यात्म नित्या लगातार आध्यात्म का चिंतन करो, परमात्मा की सामिप्यता प्राप्त करो, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करो। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या बिन विरति कामा, और संसार की कामना को त्याग दो बिन विरति कामा। अब जब तक कामना है तब तक भजन कहां से हो, एक ज्ञान में दो तलवार तो नहीं आती है क्या जाती है। जब तक संसार है भगवान नहीं, जब संसार से निष्प्रय हो, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि छोड़ो बाबा जी बन जाओ, ना ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है। कमल का जीवन जल है लेकिन संलिप्त नहीं होता, 10 मीटर बढ़ जाएगा वो 10 मीटर ऊपर उठ जाएगा, 10 मीटर कम हो जाएगा वो 10 मीटर नीचे हो जाएगा, रहेगा पानी से फुट भर ऊंचाई। संलिप्त नहीं होता, डूब के नहीं मरता कभी कमल। इसी प्रकार हमारा भी जीवन संसार में ऐसा ही होना चाहिए कि जीवन जी रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, रिश्ते नाते भी निभा रहे हैं लेकिन संलिप्तता नहीं है। निर्माण मोहा जिस संग दोषा आध्यात्म निरता बिन वृत्ति कामा द्वंद ही विमुक्ता, द्वंद के चक्कर में मत पड़ो, ये भगवान नहीं, ये अच्छा है ये बुरा है, मेरा अच्छा है तुम्हारा अच्छा है, तलवार लेके घूमो बंदूक लेके घूमो, मेरे भगवान को मानो मेरे भगवाना। किसी को मनाना है तो प्यार से मनाए। सुखदेव जी के पास में कोई अस्त्र शस्त्र था कुछ नहीं था। निर्माण मोहा जिस संग दोषा आध्यात्म निरता बिन विरति कामा द्वंदई विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन् च मूढ़ा पदम प्रियम, उस परम पद को वही प्राप्त करता है जिसमें ये गुण मौजूद हैं। सुखदेव जी से फिर प्रश्न करते हैं कि ये आसन धारते ब्रह्मा धारणायत्र सम्मता कैसी होनी चाहिए, कृपा करके बताइए। जिससे इंसान के मल का मैल मिट जाए, मन का मैल मिट जाए, ऐसी कोई धारणा है तो कृपा बताइए। भगवान कहते हाँ है, ध्यान से सुनिए। वो लोग जो प्रश्न करते हैं भजन करते हैं लेकिन नींद आ जाती है, वो लोग जो भजन करते हैं मन नहीं लगता, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। बता रहे हैं सुखदेव जी, कह रहे जितासनो जित श्वासो
इत संभोज तेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। क्या करना है? अपने श्वासों को जीतो। आपकी आयु आपके हाथ में है, बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। चलत अठारे बैठे दोबारे सोवत में बत्तीस। अगर आप चल रहे हैं अठारे के औसत से आयु खर्च कर रहे हो, सो रहे हो चलत अठारे बैठे दोबारे, अगर आप बैठे हैं तो बारह की औसत से खर्च कर रहे हो। अगर आप सो रहे हो तो बत्तीस की औसत से खर्च कर रहे हो, और अगर आप विषय कर रहे हो तो 64 की हिसाब से खर्च कर रहे हो। ऋषि मुनियों की आयु ऐसे ही नहीं बड़ी हो जाती, वो इन नियमों का पालन करते हैं। प्राणायाम के द्वारा अपनी आयु को, शरण को रोकते थे, अपनी आयु को आगे बढ़ाते थे, बड़ी करते थे। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। जितासनो, पहले तो बैठा नहीं जाता है, 10 मिनट बैठते हैं, कभी यूं होते हैं, कभी यूं होते हैं, कभी यूं होते हैं। एक आसन से बैठा नहीं जाता। क्यों नहीं बैठा जाता? कि अभ्यास नहीं है। अभ्यास कहते हो? जितासनो जितस्वातो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतो, बैठने की अभ्यास करो, श्वासों पर नियंत्रण रखो, जैसे मैंने बताया है। संग को नियंत्रण करो, बुरे संग में ना फंसो। अपनी इंद्रियों को बस में करो, अपने मन में बस में करो, तो परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन बीमारी है कि मन शुद्ध नहीं है। मन का इंद्रियों से संयोग है। भगवान कहते हैं, राजन मन का जो संयोग है वो इंद्रियों से है। किसी की रिश्तेदारी किसी से होती है, तो मन संयोग इंद्रियों से है। इंद्रियां अपना सुख मानती हैं। रामायण में लिखा है, इंद्रिय द्वार सुर बैठे कर थान। जो इंद्रियों के दरवाजे हैं ना हमारे, आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, हमारी जो दरवाजे हैं वो, उन पर कोई न कोई देवता बैठे हैं। और वो देवता क्या करते हैं? आवत देखहि विषय बयारी, देहत देहि कपाट उघारी। जैसे ही उनके मतलब की विषय आती है, जैसे आंख ने सुंदर दृश्य देखा, तो आंख अपना दरवाजा खोल देगी, और खोलते ही अंदर का जो सर्कुलेशन है सारा बिगड़ जाएगा। आपका शुद्ध पवित्र मन भी इंद्रियों के संयोग से ऐसा विचलित होगा कि तुम्हारी माला कहीं और तुम कहीं, तुम्हारा ध्यान कहीं। इसलिए अपनी इंद्रियों को बस में करो। अब कोई कहे कैसे बस में करें भाई, तो एक उदाहरण पेश करता हूं मैं आपको। सुंदर एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की जय। जब जय की बात आए तो जरूर जोर लगा दिया करो, क्योंकि बोलना तो 3 घंटे मैंने ही है। आपने तो बस एक बार बांके बिहारी लाल की, वो आप जय बोलते हैं ताकत मेरे को मिलती है। इसलिए आपको परेशान करता हूं और करता रहूंगा मैं। तो कबीरदास जी बड़े संयमी पुरुष थे। एक दिन लेकर के माला भजन कर रहे थे। जहां भजन कर रहे थे वहीं से थोड़ी दूर पर हलवाई की दुकान थी, और हलवाई की दुकान पर क्या हो रहा था? जलेबियां बन रही थी। जलेबियां बन रही थी तो माला जप रहे हैं कबीर जी।
और मन कहता है जल जलेबी खाएंगे, क्या रखा है माला रख दे। कबीर जी बड़े ज्ञानी भी थे, वो मन को समझाते हैं, निग्रह करते हैं, दबाते हैं, लेकिन मन नहीं मानता है। गीता में भगवान से अर्जुन ने भी इस बात पर प्रश्न किया है कि चंचलम हि मनम कृष्ण प्रमादी बलवद्गुणम। मन बड़ा चंचल है और ये जबरदस्ती खींच लेता है इंसान को, जबरदस्ती इंसान को खींच लेता है। तो कैसे मन को निग्रह किया जाए, वही क्रिया बता रहे हैं हम आपको कि कबीर राज जी ने देखा मन को कैसे वश में करूं, मन मान नहीं रहा है, कह रहा जलेबी खाएंगे, लेकिन समय जलेबी खाने जाए तो फिर जो है भजन नहीं है। इसलिए मन जोर लगा रहा है, कबीरदास जी रोक रहे हैं, नहीं रुक रहा है। आखिरकार कबीरदास जी ने हाथ बांध लिए पीछे को, और पीछे को हाथ बांध करके हलवाई की दुकान पर जाकर के कहता है बेटा रज के खा ले, दे कैसे खाएगा। एक और बात बता, मन के निकले आपने देखा होगा कभी जो ग्वालिया गाय चराते हैं, ग्वाले जो गाय चराते हैं तो उनमें कोई हरियाली गाय भी होती है जो देख करके हरा खेत दौड़ पड़ती है, ग्वाला डंडा लेकर के पीछे बजता है, लेकिन वो जब तक दो चार मुंह उसमें नहीं मार लेती तब तक रुकती नहीं है। ग्वाला बड़ा परेशान होता है, क्या करूं ये गाय मानती नहीं है। आखिरकार ग्वाला क्या करता है कि उसके पावा बांध देता है, पावा मतलब एक इतना बड़ा छोटा लेकर के डंडा लेकर के मोटा सा गले में बांध देता है। वो दौड़ नहीं सकती है, लेकिन फिर भी वो साइड करके भागने की कोशिश करती है। फिर ग्वाला क्या करता है, उसके बड़े में गले में इतना बड़ा घंटा बांध देता है, घंटा बांध करके वो उसकी आवाज घटर 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 होती रहती है। ग्वाले को पता होता है गाय कहां पर है, वहां पर है वो हरियाली गाय। ऐसे ही हमको अपने मन को भी बस में करना चाहिए घंटा बांध करके। घंटा का मतलब है कि किसी ऐसे काम में पहले से ही नियोजित कर दो कि इसको विषय में जाने का समय ही ना मिले। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो समझने की बात है, अथाह सागर है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुना रहे हैं। तो कहा प्रभु ये सृष्टि क्यों रची गई, क्या ये सृष्टि के बिना काम नहीं चलता। तो इसके बारे में सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो बताया बेटा कि परमात्मा का एक खेल है, परमात्मा अपना खेल खेल रहे हैं जैसे एक बच्चा खेलता है और वो सृष्टि रचता है, अपने अनेक तरह के मिट्टी के घर बनाता है, मकान बनाता है। बाद में जब मन घर जाने को होता है अपने हाथ से उनको मिटे देता है। इसी प्रकार परमात्मा भी संसार में एक सृष्टि का खेल खेलते हैं और अपने हाथ से एक दिन जब आता है तो उसको मिटा करके चले जाते हैं। सृष्टि के बारे में प्रश्न करने के बाद लेकिन बताते हैं ये सृष्टि में भी तत्व है, क्या तत्व है। तो कहते हैं नारायण परा वेदा देवा नारायण पंगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा। सृष्टि के कण कण में भगवान विद्यमान है, चाहे सृष्टि का कोई भी साधन हो, हर साधन में परमेश्वर ओतप्रोत है, भगवान से ओतप्रोत है। सबसे पहले परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं, अपनी लीला करते हैं, अपने अंशों से प्रकट होते हैं। तो
कभी बारह रूप में, कभी यज्ञ रूप में, कभी सनत आदि सनत कुमार आदि के रूप में, कभी कपिल के रूप में, तो कभी पिता के भगवान के रूप में, कभी नर नारायण के रूप में प्रकट होते हैं, कभी ऋषि देव ऋषभ देव के रूप में, कभी हयग्रीव के रूप में, तो कभी मत्स्यावतार धारण करते हैं, कभी कश्यप अवतार, कभी नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार, कभी राम अवतार, कभी बलराम अवतार, कभी कृष्ण अवतार। उत्पत्ति भगवान की नाभि से होती है, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा आसे पासे चारों तरफ देखते हैं, मेरा जनक कौन है, मेरे को किसने उत्पन्न किया है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। कमल नाल को पकड़ करके नीचे उतरते हैं, आदि अंत कोई नहीं मिलता कमल नाल का, फिर आकर के ऊपर ही बैठ जाते हैं। पानी में पानी गिरता है तो तप तप की आवाज होती है, काय की आवाज होती है, तप तप तप। ब्रह्मा जी को लगता है कि मेरे को कोई तप करने के लिए कह रहा है। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं तप तो करूं लेकिन किसका करूं, भाई कोई नाम हो, कोई रूप हो, कुछ तो हो। तो ओम शब्द संसार में गुंजायमान होता है, ये ओम शब्द हर किसी ने लिया है, सनातन धर्म का तो आज बीज है ही, वेदों का आज बीज ओम है ही, लेकिन हमारे जैन धर्म ने भी ओंकार को स्वीकार किया, हमारे सिख धर्म ने भी एक ओंकार को स्वीकार किया। तो ओम आदि अक्षर है जो संसार में व्याप्त था, ब्रह्मा जी ने उसी को लेकर के ओम का जाप किया, बड़ा प्रयास किया, तब कहीं भगवान के हृदय में दर्शन हुए और प्रभु ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान उनको दिया। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया यहां सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षक को कि अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण उतय मन मंत्रे अनुकता निरोधो मुक्ति शास्त्रय। यहां 10 भागवत के लक्षण बताए हैं, उन 10 लक्षणों से युक्त जिस चीज होती है उसी को भागवत कहते हैं। इस प्रकार से यहां तक की कथा में प्रथम स्कंद की द्वितीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। बोलो वाके बिहारी लाल। अब तीसरा जो स्कंद है वो सर्ग स्कंद कहा जाता है। मैं सभी के स्कंद के अलग अलग भिन्न भिन्न नाम रूप स्वरूप भी वर्णन करता जा रहा हूं। 12 स्कंद हैं, हर स्कंद का कोई लक्ष्य है। तो तृतीय स्कंद जो तीसरा स्कंद है उसका वो सर्ग का स्कंद है। सर्ग का मतलब है सृष्टि, और इसमें सब सृष्टि की ही बातें हैं। कैसे, अभी हमने ब्रह्मा की तो पहले बताई दी, अब ब्रह्मा से आगे सृष्टि कैसी चली, ये जो है तृतीय स्कंद में सुनेंगे। सृष्टि भी 2 प्रकार की, सर्ग भी 2 प्रकार का। 2 प्रकार का कैसे, 2 सर्ग, एक आसुरी सर्ग है और एक दैवीय सर्ग है। आसुरी सर्ग क्या है और दैवीय सर्ग क्या है, ध्यान से सुनिए। जहां संतान उत्पत्ति में धर्म नहीं होता, जहां संतान उत्पत्ति केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए की जाती है, वो आसुरी सर्ग है, समझ रहे हो ना। और आजकल ज्यादातर सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। संतानोत्पत्ति के बड़े नियम हैं, जो हम आगे चल करके इसी स्कंद में माता देवहूति और कपिल जी के आख्यान में आपको बताएंगे। तो इतना समझ लीजिए कि संतानोत्पत्ति में जहां धर्म नहीं है, संतानोत्पत्ति में जहां परमेश्वर का नाम नहीं है,
संतानोत्पत्ति में यहाँ धर्म साधन नहीं है, वहां संतानोत्पत्ति होती है वो आसुरी होती है, राक्षस पैदा होते हैं। लेकिन जहां पर संतानोत्पत्ति में धर्म आचरण रखा जाता है, पत्नी भी धार्मिक है, पति भी धार्मिक है, संसार का समय भी शास्त्रों से अनुमोदित है, यहां तक बताया गया है कि अगर आपने संतान प्राप्त करनी है तो कब करनी है, किस तरह से करनी है, अगर उस प्रक्रिया से आप जो है संतानोत्पत्ति करते हो तो आपके घर में कोई देवता ही पैदा होगा, राक्षस पैदा नहीं होगा। दो प्रकार के सर्ग, दो प्रकार की सृष्टि मैंने प्रथम दिन से प्रारंभ किया। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है, या अकेली भक्ति से काम नहीं चलेगा, या ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए। जब तक यहाँ से कुछ आप प्राप्त न कर पाओ तो ये कथा करने का मेरा लाभ क्या, आपका सुनने का लाभ क्या। इसलिए वो कथा सुनिए जिस कथा में ज्ञान भी है। तो दो प्रकार का सर्ग मैंने बताया, आसुरी सर्ग, दैवीय सर्ग, नियमों के द्वारा, सतोगुण के द्वारा। इस तृतीय स्कंद में खास करके 33 अध्याय हैं और 14 से 11 श्लोक हैं। इसमें बड़ा मार्मिक इसमें प्रसंग है उद्धव जी का, जिन्होंने अपने भगवान के परम प्रिय श्री विदुर जी महाराज को ज्ञान दिया। क्योंकि मैं प्रथम दिन की कथा में ये बता चुका हूं कि जब भगवान स्वधाम को जा रहे थे तो उद्धव जी को साथ नहीं ले गए, उद्धव जी से कहा तूने मेरे प्रिय विदुर को ज्ञान देना है इसलिए छोड़ दे। आज वो भगवान से विदा होकर के उद्धव जी ढूंढ रहे हैं कहीं विदुर जी मिले और मैं भगवान का संदेश उसको दूं। तो उत्तराखंड में घूमते घूमते विदुर जी की भेंट हो गई और विदुर जी से भेंट होने के बाद जब दो संत आपस में मिले बड़ा प्रसन्नता हुई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जिस समय की बात है आपको पता ही है, विदुर जी ने घर क्यों त्यागा था मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। कि विदुर जी ने जब देखा कि मेरे भाई धृतराष्ट्र की अब चलती नहीं है, दुर्योधन के सामने वो गाय बन जाता है और दुर्योधन ने अपमान भी कर दिया, तो धनुष बाण दहलीज पर रख करके सब कुछ परित्याग करके जंगलों में चले गए विदुर जी महाराज। विदुर जी कोई साधारण इंसान नहीं थे। कभी मनन करिए, मंथन करिए, भागवत के जो पात्र हैं, महाभारत के जो पात्र हैं, कितने विशाल हैं वो, कितने बड़े हैं, कितने वो धार्मिक हैं, जिनमें भीष्म पितामह, खास करके विदुर जी। विदुर जी पहले जन्म में धर्म थे, मांडव्य ऋषि के श्राप से धरती पर पुरुष बन करके आए। पांडव की भोग पत्नी के यानी दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए वेद व्यास जी के। उन्होंने बहुत सुंदर नीति बताई जिसको विदुर नीति के नाम से आज भी लोग जान करके उसका लाभ लेते हैं, विदुर नीति का। तो उद्धव जी से भेंट हुई, उद्धव जी और विदुर जी मिले। जब उद्धव जी ने भगवान के सुधाम चले आने की लीला बताई तो विदुर जी बड़े दुखी हुए, रोने लगे, विलाप करने लगे। तब उद्धव जी ने कहा चिंता करने की बात नहीं, जब भगवान गए तो मेरे को संदेश दे गए कि मेरा विदुर जब सुनेगा तो बड़ा दुखी होगा, तुमने जाकर के उसको समझाना। तो मैं खास करके भगवान के साथ साथ में सुधाम नहीं गया, ना मुझे प्रभु ले गए, मैं तुम्हारे कारण ही धरती पर हूं। बैठ हुई तो प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया उद्धव जी ने भगवान की। विदुर जी ने बड़े ध्यान से सुना,
बाल लीलाओं का वर्णन किया प्रभु ने, ऐसी ऐसी बाल लीलाएं की, ऐसे नंद ब्रज में आनंदित किए सभी को। फिर वहां से विदा होकर के उद्धव जी ने कहा कि जो मेरे से ज्ञान रह गया है वो आपको मैत्रेय जी देंगे। तो वो मैत्रेय जी के पास आते हैं और मैत्रेय जी के शिष्यों में जाकर के प्रणाम करते हैं उनके आश्रम में और प्रश्न करते हैं मैत्रेय जी से। क्या प्रश्न करते हैं ध्यान से सुनिएगा। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखं मान्य उपारमं वा विन्देति भूया तदेव दुःखं यदन्ययुक्तं भगवान् तदेन। दुनिया के लोग कर्म करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमको सुख मिले। हर कोई सुख ढूंढता है, दुख कोई नहीं ढूंढता। लेकिन प्रभु जी सुख मिलता नहीं है हर किसी को। विदुर जी कह रहे हैं कि लोग सुख को ढूंढते हैं लेकिन लोगों को सुख नहीं मिलता है। कारण क्या है इसका? मैत्रेय जी कहते हैं भैया सुख भी कुछ नहीं है और दुख भी कुछ भी नहीं है। क्यों प्रभु? सुख कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं है, ये क्या बात है? कृपा करके विस्तार से हमें बताइए, मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं सुख कुछ नहीं है, दुख कुछ नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं बेटा सुनो, सुख क्या है, दुख क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि लोग विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। इंद्रियों के सुख को सुख नहीं कहते। एक उदाहरण देता हूं आपके लिए। एक कुत्ता सू की हड्डी चबा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसी संख्या है वैसी जय नहीं है। बोलो बांके। सुख क्या है? एक कुत्ता सूखी हड्डी चबा रहा है। सूखी हड्डी में रक्त तो होता नहीं है लेकिन चबाई जा रहा है, चबाई जा रहा है। अब वो हड्डी के टुकड़े अपने ही जबड़ों में लग रहे हैं और जबड़ों में से निकल रहा है खून। और वो सोच रहा है हड्डी में से खून निकल रहा है और सुख मान रहा है। लेकिन जब देर हो जाती है काफी ही तो जबड़ों में दर्द होता है, तब उसको पता लग रहा लगता है हाई मैं तो अपने ही रक्त को चूस करके सुख मान रहा था। ऐसे ही दुनिया का सुख है, अपने ही रक्त को चूस करके हम सुख मान रहे हैं जो कि नहीं है। सुख तो भगवान के चरणों में है, सुख तो ईश्वर के चरणों में, जहां लोग नहीं जाते। सुख एसी में ढूंढते हैं, सुख अच्छे भोजन में ढूंढते हैं। ये इंद्रियों को सुख देने वाली वस्तु है, इनसे कोई चाहे अच्छे से अच्छा खा लो तब भी नौ द्वारों से मलमूत्र के रूप में ही निकलेगा। कितने से बढ़िया खा लो आखिरकार मलमूत्र के रास्ते नव द्वारों से निकल ही जाना है उसमें। कितना अच्छा खा, कितना सुख दे लो। कोई भी सुख है इंद्रियों का सुख देने वाला, एक न एक समय वो मृत्यु से मिलाता है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण है, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंच अरे एका प्रमादी सकतम हन्यते ये सेवते पंच भिरेव पंच है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक को, मैं अर्थ करके बताता हूं। कुरंग कहते हैं हिरण को, हिरण को एक विषय है, वो कान से अच्छा सुनना चाहता है,
कान से बढ़िया सुनना चाहता है। इसकी लीकेज लग गई शिकारी के हाथ में, इसकी कमी लग गई शिकारी के हाथ में। शिकारी ने जंगल में वीणा बजाई और वीणा से मुक्त होकर के हिरण शिकारी के समीप आ गया सुनने के लिए वीणा। शिकारी ने देखा, मौका उठाया, अपने बगल में धनुष बाण तैर से मार दिया, नाभि से कस्तूरी निकाल ली, मृग चर्म उतार ली। ये है भैया सुख संसार का। पहला, पांच इंद्रियां होती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। जरा ध्यान से सुनिएगा, गूढ़ी गूढ़ ज्ञान है, थोड़ा सा गहरा ज्ञान है। तो पहला ज्ञान बताया मैंने शब्द का, शब्द के चक्कर में हिरण मारा गया। एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की, ताकि कलयुग ना आ जाए और वो मेरे दिए हुए इस ज्ञान को भ्रष्ट ना कर दे, इसलिए बोलते रहिएगा बांके बिहारी लाल की। दूसरा नंबर आता है शब्द के बाद स्पर्श का। स्पर्श का विषय है हाथी को, हाथी को एक विषय है स्पर्श का। हथनी देखेगा, जब तक स्पर्श नहीं कर लेगा हटेगा नहीं। उसकी कमी इंसान के हाथ लग गई, इंसान ने कागज की हथनी बनाई, जंगल में खड़ी कर दी। हाथी वहां से गुजरा, देखता है ओहो हथनी खड़ी है, चलो स्पर्श करेंगे। छूने के लिए जाता है, वहां पहले से ही उन लोगों ने गड्ढा खोदा हुआ है, पत्ते से पाट दिया है। और हाथी जैसे ही छूने जाता है, धड़ाम से 25 फुट गड्ढे में नीचे गिर जाता है। 15 दिन पड़ा रहता है, 15 दिन बाद उसको बाहर निकाल लेते हैं, भोला नाम रख लेते हैं और अंकुश से खूब काम कराते हैं। ये सुख है इंद्रियों का। शब्द स्पर्श रूप के चक्कर में मारा जाता है। पतंगा दीवे की लौ पर टूट के गिरता है, पंख जल जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाता है रूप के चक्कर में पतंगा। शब्द स्पर्श रूप रस के चक्कर में मारा जाता है भौरा। भौरा कमल में जाके बैठ जाता है और रात्रि को कमल बंद हो जाता है तो सोचता है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभात। जब रात्रि खत्म होगी तो सवेरा होगा, तो हंस सची पंकजाल ये कमल खिलेगा और मैं चला जाऊंगा। लेकिन हा हंत नलिनी गजम उजहार, कोई मतवाला हाथी आया, अधकले कमल को तोड़ा, पैरों के नीचे कुचल दिया। वो भौरा जो मिनट में साल साधन के लक्कड़ में सूरा कर देता है, वो कमल की पंखुड़ियों में सूरा करके बाहर नहीं निकला, क्योंकि विषय ने उसको आलसी और दीर्घ सूत्री बना दिया। कोई नहीं, सवेरे चले जाएंगे, सवेरा नहीं हुआ, मृत्यु आ गई। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना मछली एक रोट, आप आटे की गोली लो पानी में डालो, मछली 1 फुट ऊंची उठेगी, सीधी मुंह में ले जाएगी। यही कमी उसकी देखी इंसान ने, कुंडा बनाया, कुंडे में मांस का टुकड़ा लगाया और मारा झटका और मछली फंस गई, बाहर निकाल गई। राधे कृष्ण, पांच जीव एक एक इंद्रिय का भोग करते थे, मारे गए। लेकिन वो कैसे बचेंगे? कौन जो पांचों इंद्रियों का भोग करते हैं? इनको शब्द भी चाहिए, इनको रूप भी चाहिए, इनको रस भी चाहिए, इनको गंध भी चाहिए। बड़े बड़े महंगे परफ्यूम खरीदने वालों ध्यान से सुन लीजिए। एक दिन किसी शादी में गया, लड़के परफ्यूम लगा रहे, मैंने कहा कितने का है? कि 4,500 का है। राधे कृष्ण, अरे 4,500 के परफ्यूम लगाने वालों ध्यान से सुन लो, इन पांच इंद्रियों के चक्कर में एक एक जीव मारा गया। हम पांचों इंद्रियों का एक साथ भोग करते हैं, बताओ कैसे बचेंगे? सुख यहां है भैया, ये सुख है। इन सुख को हम सुख मान बैठते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में मिलता है, जिस सुख में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिस सुख में कोई ह्रास नहीं आता, जिस सुख में कोई उपयोगिता ह्रास नियम नहीं लागू होता, जो मैं कल बता रहा था है, तो सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में मिलता है, ऐसा ज्ञान दे रहे हैं श्री विदुर जी महाराज। के लिए
और मैत्रेय जी, मैत्रेय जी को बहुत प्रश्न किए और बड़े सुंदरता से जवाब दिए। ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद नौ ऋषि 10 ऋषियों को पैदा किया। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की और स्तुति के बाद सृष्टि का आगे को सृजन बढ़ाया। किस तरह से सृष्टि को आगे बढ़ाया आपको श्रवण कराते हैं। इन सृष्टि की कथाओं को सुनने से पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो ऋषि पैदा हुए जिन ऋषियों की गणना आज हमारे शास्त्रों में है, वेदों में है, पुराणों में है। तो कौन कौन ऋषि पैदा हुए? मरीचि अत्रि अंगरसो पुलस्तः पुलहत्रतु भृगु वशिष्ठो दक्षस्य दशमा तत्र नारदः। सबसे पहले मरीचि माने जाते हैं, फिर महाराज अत्रि, फिर महाराज अंगरा, अंगरा के बाद में नंबर आता है जी महाराज पुलह का, पुलह के बाद में आता है नंबर पुलस्त जी का, फिर महाराज क्रतु जिन्होंने हमको यज्ञ के साधन बताए हैं, महाराज भृगु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र का बड़ा सुंदर ग्रंथ और जिन्होंने परीक्षा ली थी भगवान नारायण की, सभी देवताओं की, महाराज वशिष्ठ जो कुलगुरु रहे, और इसके बाद में दक्ष का नंबर आता है जिनकी 60 कन्याओं से संसार उत्पोत है, और 10 में है नारद जी महाराज। इस प्रकार से सृष्टि का सृजन आगे को बढ़ा, सृष्टि बढ़ी, लेकिन नौ ऋषि होने के बावजूद, 10वें नारद जी होने के बावजूद भी, इतना परिवार पैदा होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी को एक दुख है। क्या दुख है? तो भगवान से निवेदन करते हैं ब्रह्मा, प्रभु सृष्टि तो मैं रच रहा हूं, लेकिन कमल के फूल पर कितनी सृष्टि रचूं? रह तो रहा हूं कमल के फूल पर। भगवान ने कहा बात तो ठीक है, कमल के फूल पर तुम कितना परिवार बसाओगे भाई? इतना ही परिवार बसेगा? चलो कोई बात नहीं, करते हैं, क्योंकि पृथ्वी प्रदान करते हैं आपको। राजा परीक्षित पूछने लगे पृथ्वी कहां गई थी महाराज? क्या पृथ्वी थी नहीं? ये पृथ्वी तो थी, लेकिन आदि राक्षस हिरण्याक्ष ने, आदि राक्षस सबसे पहला राक्षस हिरण्याक्ष ने उसको अपने बस में कर लिया था, इसलिए बिष्टा का कोट बना करके उसके बीच में उसको छुपा लिया था। भगवान ने 12 रूप धारण किया। पहला अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण का जयकारे के साथ में उनका सम्मान करें। बोलिए 12 भगवान की जय हो। अब विष्टा का कोट कोई और तो तोड़ नहीं सकता। विष्टा आप जानते ही होंगे क्या कहता हूं। विष्टा का कोट बनाया जिसके अंदर पृथ्वी को छिपाया। भगवान ने सूकर रूप धारण किया। हमारा सनातन धर्म इतना विस्तार है कि कहीं कोई किसी तरह का मानने वाला व्यक्ति हमारे धर्म से जुड़ा है। तो शुक्र भगवान गए पृथ्वी से, पहले कोट तोड़ा, तोड़ करके नथनों पर पृथ्वी को कंदुक की तरह, गेंद की तरह करके चलने लगे। बारह को पता लगा, आदि राक्षस को पता लगा, अरे ये पृथ्वी को लिया जा रहा है, पृथ्वी तो मेरी मुट्ठी में थी, ललकारा। भगवान ने कोई चिंता नहीं की, भगवान चले जा रहे हैं बड़े मस्ती से। जब बुरे वचन बोले तो भगवान ने कहा, तू कैसा पशु है रे, मैं गाली दे रहा हूं तब भी तू बुरा नहीं मान रहा कि मैं पशु तो हूं, लेकिन तेरे जैसे ग्राम सिंह ढूंढता फिर रहा हूं। ग्राम सिंह समझते हो? कुत्ते को कहते हैं। ग्राम मतलब गांव का, सिंह माने शेर, कौन? कुत्ता। भगवान ने आदि राक्षस को, हिरण्याक्ष को कुत्ता कहकर के संबोधित किया। पृथ्वी को अच्छी जगह पर जो है रखा, रखने के बाद युद्ध में परास्त कर दिया, मार दिया उसको, और भगवान ने खटका बना दिया हिरण्याक्ष का। बोलिए बांके बिहारी लाल की। अब राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु ये हिरण्याक्ष कहां से आया, किसका बेटा था?
और उस समय तो सब देवी देवता ही थे, अच्छे लोग थे, लेकिन ये हेडांश कहां से उत्पन्न हुआ, कृपा करके बताइए। तो भगवान कहते हैं सुनो, कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति, ये दक्ष की पुत्री थी दिति। तो दिति कश्यप ऋषि से एक दिन कहती है कि प्रभु एतमां तत्कृते कामात सरासन दुनेति दीनां विक्रम्य रंभाइव मतंगजः। हे प्रभु, जैसे कोई मतवाला हाथी कमल के फूलों को मर्दन कर देता है, ऐसे आज कामदेव मेरा मर्दन कर रहा है। हे प्रभु, मुझे संग दीजिए, मेरे साथ रति कीजिए, मुझे कामदान दीजिए। कश्यप महाराज बड़े ज्ञानी हैं, कहने लगे देवी ये समय रति का नहीं है, संध्या वंदन का समय, भगवान के भजन का समय है, ध्यान दीजिए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय, ऐसे बोला करो ताकि आनंद आ जाए। आप जयकारा बोलते हैं मेरे को बल मिलता है। कश्यप ऋषि कहने लगे देवी ये समय है भगवान के भजन करने का, परमात्मा के भजन करने का, ये समय विषय करने का नहीं है। लेकिन दिति नहीं मान रही है, भगवान समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि शमशान चक्रा नील धूम धूम्र विकीर्ण विद्योत जटा कलाप भस्मावगुष्टा मल रुक्म देहो और देवास्त्रि भी पाशत देवरस्ते। कश्यप ऋषि कह रहे हैं दोनों देवी ध्यान से, तुम्हारे देवर जी है ना शंकर भगवान, वो जटाओं को बिखरा करके भस्म लगा करके शरीर में और बैल पर सवार होकर के दोनों संध्या वंदनों में दुनिया को देखते हैं। क्या देखते हैं? जो इंसान भगवान का भजन कर रहा होता है उसको सुखों की संपदा की खान दे जाते हैं, लेकिन उस समय जो सोता हुआ मिलता है, जो विषय करता हुआ मिल जाता है, उसको विपत्तियों की खान दे जाते हैं। अब तुझे क्या चाहिए बता दे। वो कहती है मैं नहीं जानती इन बातों को, ना मैं मानती हूं इन बातों को, मुझको तो आपका संग चाहिए, मुझे रति दान दीजिए, मुझे रति दान दीजिए। निपट गई भगवान कश्यप के अंग से, कश्यप ऋषि ने विवश होकर के रति दान दे दिया। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय। और भैया ये बात और सुन लीजिए ध्यान से कि वो दिति के लिए ही लागू नहीं होता, जेकर संध्या वंदन के समय आप भी सोते मिलते हो, पकड़े गए ना किसी दिन शंकर भगवान के द्वारा, या विषय करते हुए पकड़े गए, तो फिर परमात्मा आपको भी विपत्ति ही देके जाएंगे, संपत्ति छीन ले जाएंगे। उनके लिए खास करके जो 9 बजे तक सोते हैं उनके लिए खास करके है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई,
जगत बसु मिरन भजन न होई, जगत बसु मिरन भजन न होई। विपत्ति कब है बताएंगे ना, बिना माइक नीचे कर दिए मैंने, आप मत बोलना भैया। कह हनुमंत विपति, बोलो ना। अरे माइक बंद करने का मतलब यह है, आप बोलिए ना। कह हनुमंत विपति प्रभु सोही, जब तब सुमिरन भजन न हो। विपत्ति क्या है, संपत्ति क्या है? विपत्ति वही है जब हम भगवान के भजन से वंचित रह जाएं, तो वही विपत्ति है। संपत्ति क्या है कि हम परमात्मा का भजन करें, दिन रात करें, जब भी टाइम लगे तब करें, ग्रस्तों का दायित्व निभाते हुए भी भगवान का भजन करें, तो संपत्ति है। संपत्ति यही है कि भगवान का याद आए, परमात्मा याद आए, संपत्ति है। परमात्मा का विस्मरण हो जाए, कुंती मैया ने कहा था ये बात कि प्रभु जब आपकी याद आए तो समझ लो संपत्ति है, जब आपका विस्मरण हो जाए तो समझ लो विपत्ति है। इसलिए विपत्ति दे जाओ हमको प्रभु, ताकि आप हमको याद आते रहें। तो भगवान ने कह दिया, देवी तुम्हारा, शंकर भगवान का तुमने अपराध किया है, जबरदस्ती तुमने मेरे से रति दान मांगा है। अब तुम्हारे गर्भ से दो महान राक्षस उत्पन्न होंगे, रति दिति रोने लगी, कहने लगी प्रभु मैं क्या करूं, भगवान शंकर तो हमारे जीजाजी भी लगते हैं, मैं प्रार्थना कर लेती हूं। नमो रुद्राय महते देवो योग्राय मीडुषे शिवाय नस्त दंडाय धृत दंडाय मन्नवे। प्रभु हे भगवान, त्रिशूल धारण करने वाले बोले भंडारी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं, कृपा करके मेरे गर्भ को नष्ट मत करना। प्रभु आपने मुझे पुत्र दान दिया है या श्राप दे दिया, ऐसा मत करो, कृपा करो, मेरे पुत्र भगवान के भक्त हो, राक्षस नहीं हो। कश्यप ऋषि कहने लगे जो कह दिया वो कह दिया, अब तो बदल नहीं सकता है, तो कुछ तो कृपा करो। हाँ इतनी कृपा कर देता हूं कि तेरे घर में जो पोता होगा वो भगवान का भक्त होगा। पुत्र सैव तु पुत्राणां भविते कसताम मता गायन्ति यत्र सशुद्धं भगवत यशसासम। तेरे पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का बड़ा भक्त होगा और उसका यशगान भगवान के समान ही गाया जाएगा। इसलिए दिति के गर्भ से ये राक्षस पैदा हुए, इनको ये पूर्व जन्म के सनकादि के श्राप के द्वारा जय विजय भगवान के पार्षद जो थे इनको श्राप दे दिया था, इसीलिए इसका इनका अधः पतन हो गया और यही आकर के हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने। अब हिरणाक्ष को भगवान ने मार दिया, हिरणाकश्यप जो है परिवार को समझाने लगा कि भैया ये आना जाना तो दुनिया का बहाना है, एक न एक दिन सबने संसार से जाना है। हिरणाक्ष की मृत्यु के बाद बड़ा भारी तप किया हिरणाकश्यप ने, ब्रह्मा की सृष्टि आगे को चली और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बढ़ाते हुए अपने अंग से बहुत सारे देवताओं को पैदा किया। सृष्टि का मूल कारण
मनु महाराज को उत्पन्न किया, एक रूप से सतरूपा और एक अंग से मनु महाराज प्रत्यन, क्योंकि ब्रह्मा जी ने देखा कि ये जो मानसी सृष्टि है, मानसी मतलब पहले मन के संकल्प से पैदा कर लेते थे, पुत्र की इच्छा हुई गोदी से कोई पैदा कर लिया, अंगूठे से कोई पैदा कर लिया, छाती से कोई पैदा कर लिया, हाथों से क्रतु को पैदा कर दिया, लेकिन इनमें आपस में इतना स्नेहवादी नहीं होता था, लगाव नहीं होता था, प्रेम नहीं होता था, इसलिए अब उनके मन में ये बात आई कि किसी तरह से मैं अब मैथुनी सृष्टि पैदा करूं। तो मैथुनी सृष्टि के द्वारा उन्होंने मनु और शत्रु को उत्पन्न किया। मतनु महाराज के दो पुत्र हुए और तीन पुत्रियां हुई, आकूति, देवहूति और प्रसूति। आकूति का विवाह धर्म के साथ में किया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इस प्रकार से सृष्टि आगे बढ़ने लगी। कर्दम ऋषि का चरित्र श्रवण कराते हैं, शुद्ध मन से सुनिएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी, बहुत तप किया, परमात्मा प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने के लिए आए। भगवान ने कहा, कर्दम मैंने तेरी तपस्या से बहुत खुश हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य भी तो पूरा करना है बेटा। प्रभु बताइए कि आज से तीसरे दिन तेरे आश्रम में मनु महाराज आएंगे और उनकी एक बेटी है, बड़ी पवित्र है, नाम है देवहूति, उसके साथ रिश्ता करेंगे, तू मंजूर कर लेना, मना मत करना बेटा, क्योंकि तेरे घर में मैं खुद पुत्र के रूप में आऊंगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखिए परमात्मा की कृपा तो देखिए, ईश्वर की कृपा तो देखिए, कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे घर में पुत्र भी बन के आ जाते हैं। कर्दम ऋषि को स्वयं कहा, तेरे घर में पुत्र रूप में आऊंगा, तू देवहूति को स्वीकार कर लेना, मनु महाराज की पुत्री है, बड़ी पवित्र है। कपिल ऋषि ने हाथ जोड़ करके स्वीकार किया भगवान का आशीर्वाद, अपने आश्रम में आए। तीसरे दिन मनु महाराज पुत्री को साथ में लेकर के आए और बड़ी सुंदर विधि से विवाह कर दिया। विवाह करने के समय कर्दम ऋषि ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि जब मेरे घर में संतान उत्पन्न हो जाएगी तो मैं सब कुछ छोड़ करके तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। देवहूति ने स्वीकार कर ली, ठीक है महाराज स्वीकार। अब हुआ क्या जी कि संतान तो हुई लेकिन पहली बेटी हो गई, दूसरी बेटी, तीसरी बेटी, चौथी बेटी, पांचवीं बेटी, छठवीं बेटी, सातवीं बेटी, आठवीं बेटी और नौवीं बेटी, नौ कन्याएं हो गई। जब नौ कन्या घर में हो गई ही तो कश्यप ऋषि कहने लगे, कर्दम मेरा जो वचन था उसके अनुसार मैं अब तप करने के लिए जा रहा। देवहूति बिचारी जमीन कुरेदती हुई पैरों से अंगूठे से कहने लगी, महाराज आपकी इच्छा है, लेकिन एक प्रार्थना करती हूं भगवान आपसे। क्या प्रार्थना है? कि प्रार्थना यह है प्रभु जी कि ये नौ बेटियों में लड़का कहां ढूंढती फिरूंगी, मैं औरत हूं कहां लड़का ढूंढती फिरूंगी, या तो इनका विवाह कर जाओ या फिर इनका विवाह करने वाला दे जाओ मुझको। कर्दम ऋषि को याद आया, भगवान ने तो मेरे से कहा था मैं तेरे घर में पुत्र बन के आऊंगा, शायद अभी वो समय वकाया है, इसलिए ठहर गए कर्दम ऋषि। और ठहरने के बाद कुछ दिन बाद ही माता देवहूति के घर में कपिल भगवान आ गए। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान आ गए, जन्म हुआ कपिल भगवान का। और जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, कोई दो चार दिन, छह दिन के, दस दिन के होंगे, बड़ी विलक्षण कथा है, बहुत ही विचित्र कथा है।
कर्दम ऋषि को पता है मेरे घर में भगवान आ गए हैं। जब देवहूति घर में नहीं थी तब गए और चरणों में प्रणाम किया। कितने वर्ष के, कितने दिन के, कोई दस दिन के बच्चे के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु तुम मेरे घर में आए हो, धन्यवाद, लेकिन मैं तुमको पाने के लिए वन में जा रहा हूं। है कि नहीं विलक्षण? भगवान घर में है और कर्दम ऋषि पाने के लिए जंगल में जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं माया में मुक्त होकर के भगवान को भूल जाऊं। इसलिए हे प्रभु वहीं मिल लेना मेरे से, मैं क्षमा करना, तुम्हारा लालन पालन ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसे कहकर के भगवान को परिक्रमा करके कर्दम ऋषि चले जाते हैं जंगल में। नौ कन्याएं बड़ी पवित्र कन्या, एक का नाम है कला, एक का नाम है अनुसैया। अनुसैया का तो नाम सुना होगा ना आपने, आगे कथा भी आई मैया अनुसैया की, अत्रि महाराज को ब्याही, जिनके गर्भ से दत्तात्रेय दुर्वासा और चंद्रमा तीन का जन्म, तीनों देवताओं के अंश कला से। माता श्रद्धा, माता हविर्भू, माता गति, माता क्रिया, माता ख्याति, माता अरुंधति जो वशिष्ठ जी के लिए भी आई थी, माता शांति। तो इस प्रकार नौ कन्या हुई। कपिल जी ने अपनी नौ बहनों का विवाह कैसे कैसे किया मैं बता देता हूं। कला का विवाह मरीचि महाराज के साथ में कर दिया, अनुसैया का विवाह महाराज अत्रि के साथ में कर दिया, श्रद्धा का विवाह अंगिरा महाराज के साथ में कर दिया, हविर्भू का विवाह पुलस्त महाराज के साथ में कर दिया जो रावण के दादाजी थे, पुलय के साथ में गति का विवाह कर दिया, कृतु के साथ में परम साध्वी क्रिया का साथ विवाह कर दिया, भृगु के साथ में ख्याति का, वशिष्ठ जी के साथ में अरुंधति मैया का विवाह कर दिया और अथर्वा को सबसे छोटी बहन अपनी शांति का विवाह कर दिया। अब विवाह करके फ्री हो गए, एक दिन ब्याह होकर के फ्री हो गए तो मैया ने ऐसी माला जैसी लाला जी ने मुझे पहनाई है ऐसी माला डाल दी गले में, किसके में, कपिल जी महाराज के, चौकी पे बिठा दिया। एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की हो। परसों भगवान ने आना, ठीक है, सावधान मैं पहले से ही कर रहा हूं आपको, ये हमारी आवाज बांके बिहारी की कान तक जानी चाहिए ताकि खुश होके बांके बिहारी हमारे पवित्र राधा कृष्ण धाम में पधारे। मैं कपिल जी की आख्यान, जो मर्म की आख्यान है, धर्म ज्ञान का भंडार है जिसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, वो वर्णन करने से पहले मैं एक निवेदन करूंगा आपसे और करता रहूंगा, नित्य करता रहूंगा। मेरा निवेदन क्या है, ये आप देख रहे हो श्री राधा कृष्ण धाम, ये कोई मंदिर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, ये साक्षात तीर्थ है। इस साक्षात तीर्थ से बड़े बड़े लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कल भी बता रहा था मैं, आज फिर बता रहा हूं, वही बात दोहरा रहा हूं कि ये हमारी फरीदकोट की शान नहीं है, ये हमारे पंजाब की ही शान नहीं है, ये भारतवर्ष की ही शान नहीं है, ये संपूर्ण विश्व की शान है श्री राधा कृष्ण धाम फरीदकोट। और मैं भाग्यशाली हूं कि मैंने इस राधा कृष्ण धाम की एक दिन नींव रखी थी। सभी मेंबरों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो अपने आज के व्यस्त समय से, आज किसी को कहो भैया 10 मिनट निकाल ले फलाने काम के लिए, कहेगा ना 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 टाइम नहीं है, तो वो टाइम निकाल करके यहां सेवा करते हैं।
उनकी धर्मपत्नियां, उनका सारा परिवार, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को आशीर्वाद देता हूं व्यासपीठ से, सभी को धन्यवाद देता हूं कि वो इस पवित्र कार्य के लिए मैं उनको बधाइयां देता हूं। तो इस राधा कृष्ण धाम का अवश्य ही ख्याल रखें, यह पुण्य कर्म ऐसे ही होते रहे, ऐसे ही ये चलता रहे, फरीदकोट का नाम उजागर हो, है पंजाब का नाम उजागर हो, हमारे भारत देश का नाम उजागर हो, ये मैं प्रार्थना आप सभी से करता हूँ। मैया ने क्या किया है, माला डाल दी है, चौकी पे बैठा दिया है, चौकी पे बैठा हुआ चौकीदार, मैं भी चौकीदार हूँ, पर आप वो मत समझ लेना मोदी जी वाला चौकीदार। एक चौकीदार आपके गली में जाता है डंडा लेके खटखटाता हुआ, जागते रहो। अब मैं भी चौकीदार हूं, आपसे कह रहा हूं जागते रहो, नहीं जागोगे तो लुट जाओगे। आज चौकी पर बिठाया है किसको, कपिल जी महाराज, छोटे से हैं। कपिल जी कह रहे मैया की आगे नहीं है कि वो कर रही हूं बेटा जो बहुत पहले करना चाहिए था मुझे। माता कहती है बेटा मुझे पता है कि तू परमात्मा है, निर्वंजा नितराम भूमा ब्रूहीन इंद्रिय तर्पणा इन संभाव्य मारे संपन्न तम प्रभो। मेरे हृदय के जो अंधकार है बेटा उन सबको मिटा दे। मैं एक बात पूछता हूं, जो मनु की पुत्री है, जो उत्तानपाद और ऋषभ देव की बहन है प्रियमव्रत की, क्या वो उसके हृदय में अज्ञान हो सकता है? लेकिन नहीं, उन्होंने भी कथा को प्रकट करने के लिए कपिल देव जी के अंदर से अपने को अज्ञान बता करके और कथा को प्रकट करने का प्रयोजन रखा कि इनके हृदय में जो प्रवाह है वो प्रवाह बाहर आए ताकि दुनिया उससे लाभ उठाए, मैं भी उससे लाभ उठाऊं। तं त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत संसार तारतरो कुठारं जिज्ञास संन्यासं प्रकल्पे पुरुषः नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठं। मैं तुम्हारी शरण में हूं हे योगियों के परम गुरु परमेश्वर, सिद्धों के परम गुरु, ज्ञान रूपी अस्त्र से, ज्ञान रूपी हथियार से, ज्ञान रूपी फरसा से मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट दीजिए, निर्मूल कर दीजिए, मेरे अज्ञान के वृक्ष को निर्मूल कर दीजिए, काट दीजिए प्रभु। श्री भगवान ने कहा माता अब तूने मुझे जान ही लिया है, पहचान ही लिया है, तो माता सुन मैया बाकी बिहारी लाल की जय। हो मुझे चरणों से लगा ले बिरश्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले बिरश्याम मुरली वाले, मुझ चरणों घनश्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। आ
आनंद लीजिए। राधे रम जाओ। भगेता कि तुमने काना बिपिना है तारी भगता बिपता है डाली भगेता कि तुमने काना बिपिना है तारी भगता कि तुमने बिपता है डाली बनाए तुमने बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले पतंगड़ है मेरा जीवन बन के बहार राजा 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 बस एक बार आजा सुन के पुकार गाना बस एक बार आजा सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा सुन ले पुकार गाना बस एक बार आजा ये यमन के तुम ही ये यमन के तुम ही Yeah!
चरणों में बस दे दो जगे मुझे भी चरणों में बस नरासी दे दो जगे मुझे भी चरणों में बस नरासी दे दो जगे मुझे भी चरणों में बस नरासी सुबह तुम्हें हो तुम ये सुबह तुम्हें हो तुम ये मेरी शान डाले मुझे चरणों में लगा लो मेरी शान डाले मुझे चरणों में लगा लो मेरी शान डाले मेरी साथ साथ में तेरा मेरी साथ साथ में तेरा मेरा मुरली डाले मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली डाले मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली डाले मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली डाले मुझे चरणों में लगा ले मेरे श्याम मुरली डाले मुझे चरणों में लगा ले मेरे बोलिए बांके बिहारी लाल जो नृत्य किया अभी आपने देखा बाल ब्रह्मचारी 16 साल से अन्न का परित्याग किया हुआ है 16 साल से अन्न का परित्याग किया हुआ है और हमारी पंडितानी के रिश्ते में भाई लगते हैं हमारे साले साहब भी लगते हैं लेकिन संतों से कोई किसी का रिश्ता नहीं होता। पहले भी वृंदावन में एक दो बार कथा हुई तो हमने आमंत्रित किया और बड़ा सुंदर नृत्य किया आज वही नृत्य दिखाया। आइए कथा के गूढ़ रहस्य में चलते हैं। वांके बिहारी लाल की तो मैया देवी ने प्रश्न किया प्रभु ये देह गेह से छुटकारा कैसे मिले तो भगवान कपिल कहते हैं मैया ये एक न एक दिन छूट ही जाना है देह भी छूट जाना है गेह भी छूट जाना है। कपिल जी कहते हैं मैया धनानि भूमो पशवेश गोष्ठे ये धन एक दिन खजाने में पड़ा रह जाएगा और ये पशु चौपाए गाय भैंस खूंटे पर बंधे रह जाए धनानि भूमो पशवेश गोष्ठे देह चिताया पर लोक मार्गे धर्मान गो गच्छतु जीवये कह कितना भी सुंदर शरीर है चिता में जल के राख हो जाएगा साथ जाएगा तो केवल परमात्मा का नाम साथ जाएगा ईश्वर के नाम की कमाई साथ जाएगी। मैया जो हमारा है ही नहीं उस पर अधिकार हम क्यों जमाएं? क्या बताइए ये शरीर हमारा है क्या बताइए ये घर हमारा है ये हमसे पहले भी किसी का होगा उससे पहले भी किसी का होगा ये जमीन हमसे पहले भी किसी की होगी और उससे पहले भी किसी की होगी जब वो नहीं रहे तो हम कौन से रहेंगे मैया एक कुटिया एक दिन खाली करनी पड़ेगी मां हे मां संसार से जब जाएगा जीव खाली हाथ जाएगा कुछ नहीं साथ जाना अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा की सिद्धि प्राप्त करो भगवान की प्राप्ति करो हे मां अकेली भक्ति से भी काम नहीं पर चलता ज्ञान भी हो वैराग्य भी हो जब ज्ञान नहीं वैराग्य नहीं तो भक्ति अकेली क्या करेगी मां लेकिन भक्ति भी जरूरी है और भक्ति कैसे जरूरी है मां
भगवान कपिल कहते हैं मैया भक्ति क्या है, एक मां के समान है। मां के समान कैसे हैं? कोई बच्चा होता है मां की गोद में होता है, मां ने उसको खिलाया पिलाया शुद्ध किया और पिता की गोदी में दे दिया। पिताजी से कहती है लो जी थोड़ी देर के लिए आप रख लो इसको, मैं जब तक घर के काम काज कर लूं। और पिता ने उसको गोद में ले लिया है। सुनिए बड़े ध्यान से, पिताजी उसको खिला रहे हैं हिला रहे हैं झुला रहे हैं कंधे पर गोदी में ले रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा क्या कर देता है? आजकल के लोग कहते हैं फोर्टी कर दिए। तो बाप चिल्लाता है अरे अरे कहां गई दौड़ के आ, इसने तो गड़बड़ कर दी। मां दौड़ के आती है उसको साफ करती है कपड़े बदलती है और फिर परमात्मा की गोदी में पिता की गोदी में दे देती है। लो जी अब कॉन्फिडेंस, अब जो है घंटे दो घंटे कुछ नहीं करेगा ये आराम से ले। ऐसे ही भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी भी जो जीव जन्म जन्मांतर का कलुषित है पापों से गिरा हुआ है पापों से दूषित हो रहा है, भक्ति महारानी उसको शुद्ध करके पवित्र करके परमात्मा रूपी पिता की गोदी में डाल देती है। लो जी अब ये शुद्ध हो गया। इसलिए मां भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान जैसी जरूरी है, वैराग जैसी जरूरी है, वैसे ही मां भक्ति भी जरूरी है। और भक्ति उस मां की तरह है जो बच्चा का पालन पोषण करती है। माता जो धीर गए में फंस जाते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, ये मेरा वो मेरा वो मेरा, और मैं करने वाले को एक दिन काल रूपी भेड़िया दबोच लेता है, कुछ नहीं चलता। फिर सबसे पहले सर बनता है, फिर अंग छटते हैं, फिर सब सात धातुएं बनती हैं, और फिर करते करते छठवे महीने में दाहिनी कोख में माता की में आ जाता है। ऊपर को टांग होती है और नीचे को खोपड़ी होती है, उल्टा लटका हुआ। दुख क्या है भगवान? वहां तो गर्म हवा भी नहीं पहुंचती, वहां दुख कहां से पहुंच जाते हैं? कपिल जी कहते हैं मैया यही तो बता रहा, जब माता गर्म चीज खाती है तो उसको लगता है, जब माता खट्टी चीज खाती है तो उसको लगता है, जब माता मिर्च वाली चीज खाती है तो उसको लगता है। इसके अलावा एक तरफ मल का कूप है, एक तरफ मूत्र का कूप है, और उन दोनों में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो कीड़े उसको काटते हैं। कीड़ों के काटने के कारण वो बार बार मूर्छित हो जाता है। हमारे पेट में जो जठराग्नि है वो उसको दो हिस्से में कर देती है, एक हिस्सा रस होता है, एक हिस्सा मल मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो मां जठराग्नि से सेका लगता है, जठराग्नि से जलता है, तब जीव अपने जन्म जन्मांतर के कर्म उसको याद आते हैं। गर्भ में बड़ा ज्ञान होता है जीव को, चार जगह ज्ञान होता है। कौन कौन सी जगह होता है पता? गर्भे व्याधे शमशाने पुराने या मतिर्भवे सा यदि स्थिरताम यान्ति तो कौन मुक्षते वंदना। गर्भे व्याधे शमशाने, जब शमशान भूमि में जाते हैं राम राम सबसे कहते हुए तब ज्ञान होता है, या पुराने या मतिर्भवे तब जो सुन रहे हैं ना सुभक्षे कारकं ब्रजामि शरणं विष्णो शरणागत वत्सलः। श्रीपति जगदाधार, हे श्रीपति लक्ष्मी के पति जगत के आधार, ब्रजामि शरणं विष्णु मैं तुम्हारी शरण में हूं, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
अपने आप ही कहता है भगवान। आप कहेंगे मैं क्यों रक्षा करूं भाई, तू तो पापी है, तो पाप में काहे को करता। तुम्हारी माया ने मुझे जबरदस्ती पाप करा दिया। तुम माया मोहितो तथा पुत्र कलत्र कई अहम ममामि माने भी गता से नाथ संस्कृति। मैं उनको अपना मान बैठा, ये बेटा मेरा है, ये भाई मेरा है, ये घरवाली मेरी है, ये फलाना मेरा है, ये वो मेरा है, मैं मेरा मेरा मान बैठा। लेकिन प्रभु अब तो मुझे ज्ञान हो गया है। ज्ञान क्या हो गया है? ज्ञान ये हो गया है कि जो पाप किया उसका फल मैं भोग रहा हूं, और खाने पीने वाले गतास्ते फल भोग ना, वो खा पी करके अपने रास्ते चले गए। इसलिए प्रभु मुझे ज्ञान हो गया है कि अब मैं किसी से स्नेह नहीं करूंगा, किसी से प्रेम नहीं करूंगा, प्रेम करूंगा तो केवल तुमसे करूंगा, तुम्हारे अलावा किसी से नहीं करूंगा। हे दयालु, भगवान कहते हैं फिर क्या चाहता है कि प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, या मैं बड़ा दुखी हूं मुझे बाहर निकाल दो। कदा निर्व्याते वही, मुझे बाहर कब निकालोगे? भगवान कहते हैं बाहर तो हम निकाल देंगे। फिर सोचता है बाहर तो हाँ भगवान निकाल देंगे, पहले भी निकाला था, लेकिन बाहर जाकर क्या करूंगा? तुम्हारी माया तैयार खड़ी होगी, जैसे दुल्हन खड़ी होती है दूल्हा को भरने के लिए माला लेकर के, ऐसे ही तुम्हारी माया तैयार खड़ी होगी मुझे फंसाने के लिए। इसलिए प्रभु मत निकालो बाहर। और कहता है कि ना निर्गत इच्छामि बहिर्गर्वा कदाचन यत्र जातस्य मे कर्मणा दुर्गति भवे। दयालु भगवान मत निकालो बाहर, यहीं रहने दो। सुख या नहीं है तो सुख वहां भी नहीं है, बाहर कौन सा सुख है बताइए? कोई सुखी है संसार में? है कोई हाथ उठा के बताए कि मैं सुखी हूं? कोई सुखी संसार में नहीं है। क्यों? कि रंग कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। एक राजा कहे महाराजा सुखी, तो महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, तो ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर संत पुकार पुकार कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। बताओ कोई सुखी है? कोई सुखी नहीं है। इसलिए कहता है प्रभु सुख यहां नहीं है तो सुख वहां भी नहीं है। यह अच्छी बात यह है कि तुमको याद कर लेता हूं, बाहर जाऊंगा तो तुमको भी भूल जाऊंगा। या और अच्छी बात है भगवान कि पापों से बचाओ, बाहर जाऊंगा तो पाप भी करने पड़ेंगे। इसलिए ना निर्गत इच्छामि बहिर्गर्वा कदाचन यत्र जातस्य मे कर्मणा दुर्गति भवे। मत निकालो बाहर भगवान। भगवान कपिल कह रहे हैं मैया कभी तो कहता है निकाल दो प्रभु, अब नहीं पाप करूंगा, भजन करूंगा, भजन के अलावा कुछ नहीं करूंगा। कभी कहता है मत निकालो, बाहर जाऊंगा तो पाप करने ही पड़ेंगे। लेकिन जब दसवां महीना लगता है मां, तो प्रसूता नाम की हवा उसको बाहर फेंक देती है।